आयशा, जनाब, हमने पिछले वीडियो में तीन से चक्रों के बारे में देखा है, मुरब्बा, मुस्ततील, मुसलस है। अब हम उनके राशि नुखात के बारे में देखते हैं, ठीक है? ठीक। तो जैसे कि हमने देखा, मुसलस के तीन जिले और तीन कोने होते हैं, ठीक है? तो मुसलस के ये जो कोने हैं, इनको कहते हैं राशि नुखात। क्या कहते हैं? राशि नुखात। बहुत अच्छे। क्या कहते हैं इनको? राशि नुखात। कितने होते हैं? तीन। तो यहाँ पर से खाफ है, क्या है ये? से ये क्या है? राशि नुखात है, ठीक है। इसी तरह इसके अगर हम जिले देखें तो से खाफ एक जिला हो जाएगा, खाफ है एक जिला हो जाएगा, और तीसरा जिला कौन सा होगा? गुड। तीसरा जिला कौन सा होगा? हा और सा। तो ये हो गए हमारे मुसलस के तीन जिले, तीन कोने, और उसके तीन राशि नुखात। बहुत अच्छे। इसी तरह हमने मुस्ततील देखा, मुस्ततील के चार जिले और चार कोने होते हैं, तो राशि नुखात कितने होंगे मुस्ततील के? चार। बहुत अच्छे। कितने होंगे? चार होंगे। नाम पढ़ो, कौन से हैं? अली, हाँ, अलीफ, हाँ, बा, लाम। बहुत अच्छे। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अलीफ, बा, लाम, काफ, ठीक है? ये उसके चार राशि नुखात है। तो अब हमारे जिले भी चार हो जाएंगे। अलीफ बा एक जिला हो जाएगा, बा लाम एक जिला हो जाएगा, लाम काफ, और चौथा जिला कौन सा होगा? काफ अलीफ, ठीक है? तो ये हमारे मुस्ततील के चार राशि नुखात और चार जिले, ठीक है? इसी तरह हमने तीसरी शक्ल देखी। कौन सी शक्ल है ये? मुरब्बा। कौन सी शक्ल है ये? मुरब्बा। अब मुरब्बे के, अब तुम लोग मुझे बताओ कितने राशि नुखात हैं? चार। कौन से? मीम, दाल, नून। बहुत अच्छे। मीम, दाल, नून और जी। बहुत अच्छे। जिले कितने होंगे इसके? चार। कौन से? मीम, दाल, मीम, जीम एक जिला। बहुत अच्छे। दाल, नून, जीम, नून। बहुत अच्छे। नून दाल, नून दाल एक, और चौथा दाल, दाल नीम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये क्या हो गए? हमारे मुरब्बा, मुस्ततील और मुसलस के राशि नुकात और जिले। समझ आ गया तुम लोगों को? बहुत अच्छे।